खुर्सीपार क्षेत्र में शराब भट्टी हटाने सैकड़ों महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया और जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। नगर पालिका निगम भिलाई वार्ड 51 के नागरिकों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कुर्सीपार सर्विस लेन में स्थित शराब भट्टी को हटाए जाने की मांग को लेकर दुर्ग कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंची महिलाओं ने अपनी आप बीती बताकर जल्द से जल्द शराब भट्टी हटाए जाने की मांग की। आपको बता दें कि भिलाई नगर निगम स्थित शहीद वीर नारायण नगर में स्थित फोर लेन सड़क पर अंग्रेजी शराब दुकान है, जो कि घनी आबादी का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं का कहना है कि शाम को 5 से 10 बजे के बीच यहां असामाजिक तत्वों द्वारा सड़क पर बैठकर शराब पीते हैं, जिसकी वजह से हर क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। शराब सेवन के बाद इन लोगों के द्वारा यहां पर हुड़दंगबाजी व अश्लील हरकतें भी लगातार की जाती है और विरोध करते हुए इस क्षेत्र की समस्त महिलाओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर शराब भट्टी को जल्द से जल्द इस क्षेत्र से हटाने की मांग की। इस संबंध में महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे को बहुत ज्यादा परेशानी है, जो कि हम बता नहीं सकते हैं। महिलाएं तो इतनी परेशान है, छोटे 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 जो बच्चे हैं ना, आज नशा के आदि हो गए हैं। स्कूल भूल गए हैं, लेकिन वो दारू भट्टी शराब दुकान नहीं भूले हैं। वहाँ से हमारा गुजरना मुश्किल है। वहाँ हम हॉस्पिटल जाने के लिए हमको जाना है, बच्चियों को छोड़ने जाना है, वगैरह वगैरह। वहाँ हमारा मतलब वहाँ से गुजरना ही है। इधर मेन रोड हो जाता है, इधर दारू भट्टी से पूरा जाम। 6 बजे तो आप वहाँ से गुजर नहीं सकते हो। इसलिए हम लोग बहुत परेशानी में हैं और हम इसी से ये कलेक्टर मैडम के पास आए हैं कि वो एक महिला होने के नाते एक बस्ती में जो है वहाँ से वो हटवा दें। हमारी दर्द को, हमारी परेशानी को वो समझे और हमारे, क्योंकि हम कितने बार आ चुके हैं, ऐसा नहीं है पहली बार आ रहे हैं। 10 हाँ प्रक्रिया में है। अभी आबकारी विभाग में गए थे तो वहाँ भी सर छुट्टी में है, बोलते हैं हाँ प्रक्रिया में है, लेकिन सुनवाई नहीं है, कार्रवाई नहीं है। और हम लोग यही आग्रह है जिला से, जिला प्रशासन से। हाँ तो आगे हम लोग अभी और बड़ा, इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और फिर चक्का जाम करेंगे, यानी अब हम नहीं रुकेंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ अकेली लड़की तो वहाँ से गुजर नहीं सकते, लड़की को तो छोड़ो औरत भी नहीं गुजर सकते वहाँ से। बताओ ना कितना प्रॉब्लम। मेन रोड से जाएंगे तो मेन रोड में प्रॉब्लम, जहाँ से जाते हैं वहाँ तो पूरा दारू भट्टी का भीड़ लगा हुआ है। इतना चौक कोने में था तो यहाँ आगे ला के छोड़ दिए। बताओ भट्टी के आगे स्कूल वाला रोड ही है, वहाँ से अकेले बच्चे। हम लोग भी तो आते हैं जाते रहते, हम लोगों को प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बताओ ना क्या कर सकते हैं, कौन देगा फिर हम लोगों को, बताओ ना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते, यहाँ जाओ तो यहाँ के लड़के लोग आने के ताने बोलते, यहाँ पिए रहते उन लोग अनसन बोलते, किसका सुनेंगे बताओ ना। वहाँ से दारू भट्टी बंद करो, हटाओ, जहाँ था वहीं फेंक के आओ उसको। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो है उसको फेंक के आओ, अगर नहीं हटेगा तो वहाँ फिर हम लोग नाकाबंदी स्टार्ट करें। हाँ सर, हमारे वार्ड 51 में है, सर्विस लाइन के ऊपर ही है दारू भट्टी, तो उन्हीं को हटवाने के लिए हम लोग पूरे वार्डवासी आए हुए हैं। और यही मांग है कि वहाँ से ना, 11 बार हम लोग यहाँ ज्ञापन दे चुके हैं, कुछ नहीं हुआ है। फिर अभी अब हम लोग ये नया प्रयास फिर करें कि इस बार हमारा लड़ाई सक्सेस होगा करके, हम लोग फिर इस बार मांग लेके आए हैं कि वहाँ से दारू भट्टी हटाया जाए। यहाँ 6 बजे के बाद सर आपराधिक तत्व के भी रहते हैं, नशाखोर रहते हैं, क्योंकि वो दारू भट्टी आए दिन कांड होते रहता है। हम महिलाओं को गुजरना, वहाँ पर बाल बच्चे हैं, बच्चियाँ जाती है स्कूल से वापस आते हैं, ट्यूशन आते हैं, हम लोगों का आना जाना रहता है। पूरा रोड सर्विस लाइन पूरा पैक हो जाता है, हम लोगों को जगह मिलता ही नहीं है। ऊपर जाएंगे तो सर्विस रोड, मेन रोड है फोर लाइन, तो कट जाएंगे तो जाएँ तो कहाँ। तो हम लोग का यही है कि वहाँ पर ना वो हटा दिया जाए, ताकि हम वार्ड वासियों को सुविधा हो आने जाने के लिए, हमारी महिलाएं, हम बच्चे सब सुरक्षित रहे। नहीं पिछला था कांग्रेस का, तो उसमें भी हम लोग 11 बार दिए थे, उसमें तो यही आश्वासन मिला था कि हटा देंगे, पर आज तक कुछ कार्यवाही नहीं हुआ है। अब देखो नई सरकार आई है तो हम लोगों का यही है कि मांग की इन
कुछ आशा लेके आज फिर आए हैं कि इनके माध्यम से इनको हटा दिया जाए। हम तो यही मांगेंगे कि वार्डवासी की तत्काल उसको अभी के अभी हटा दिया जाए। प्रयास यही रहता है कि मेरे वार्डवासी खुश रहे, विकास हो, उनको सहयोग मिले, उनको कोई अपराधी के घटना से ना घटे, सुरक्षा रहे। यही सुरक्षा को लेते हुए सर आज हम लोग आए हैं कि हमारी वार्ड की महिलाएं बच्चे सब सुरक्षित रहे। विधायक जी पूर्व में गए थे, मैं तो नहीं गई थी विधायक जी के पास, महिलाएं गई थी, वार्डवासी लोग गए थे, तो यही आश्वासन मिला था कि हटवा देंगे करके। पर उसका 5 वर्ष ही तो ऐसे गुजर गया, कुछ तो हुआ नहीं। तो हम लोग बोले कि भाई चल, हमारे अभी नया सरकार आया हुआ है, हम लोगों का दुख तकलीफ थोड़ा सुनेंगे, महिलाओं बच्चों का थोड़ा प्रयास रहेगा कि हम लोग अपनी दुखों को उनके सामने रखें। तो हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं कलेक्टर महोदया को प्रतिवेदन देने के लिए। हाँ, यही तो लगता है मिली भगत है तभी नहीं हट रहा है सर। अब हम तो ये नहीं कह सकते किस किस की है भाई, वो तो अधिकारी कर्मचारी, क्योंकि हम लोग आते हैं तुरंत फोन आ जाता है कि आप लोग हट जाओ, तो हमारे आने से पहले अधिकारी कर्मचारी सब उठ के भाग जाते हैं चेंबर से। तो किसकी, वो अधिकारी से पूछो कि किसकी मिली भगत है, कि किसका फोन आता कि आप चेंबर से उठ के भागते हो। अब मेरे को तो नहीं बताए हैं सर। हमें दारू भट्टी बंद कराने की मांग है, एक कुर्सी पार गेट पे है, और हमको दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि चलने में, बाबू को स्कूल उसको लाने में दिक्कत होती, मेडिकल जाने में, हर चीज़ की सुविधा मतलब नहीं है। मतलब वहाँ पे ना रोड में जगह, ऐसे जगह में है कि भीड़ बहुत है, जैसे कि जाओ तो दारू पी के इधर उधर पड़े रहते हैं, गाड़ी वाड़ी चलाते उधर उधर, तो एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है हमको। तो वही दारू भट्टी बंद कराने की मांग है, जाके बोले हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, कि दारू भट्टी वहाँ से बंद कराओ, कि हमको बहुत दिक्कत है, वहाँ बहुत परेशानी है, कि हमको चलने में, आने जाने में, हमारे हस्बैंड, हमारी सारी जहाँ वहाँ रहते हैं एरिया, उनको बहुत प्रॉब्लम है, उनको बंद कराने की हमने मांगे की है। बच्चे लोग के आने जाने से परेशानी होता है, स्कूल जाना, सब्जी लाना, औरत के मेडिकल जाना, हॉस्पिटल जाना, ये सब मेडिकल रोड सरकार बनाता है चलने के लिए, दारू पीने खाती नहीं बनाता है ना, सबको बाल बच्चा सबको, सब गांजा सब खाते पीते हैं बच्चे लोग। नहीं दिए अभी, अभी अभी पहले बार आए। हाँ, हो गया 4 बार, हो गया 5 बार आए थे हम लोग, सुनवाई नहीं हुआ तब हम लोग सब आए हैं। यहाँ पर बंद करना है दारू भट्टी, जब बोल। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।